हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऑटोकैड में डिस्कस करेंगे कि टी काउंट का यूज़ क्या होता है ऑटोकैड में। टी काउंट कमांड की अगर हम बात करें, अगर हम इसका यूज़ जाने, तो चलते हैं हम लोग अपने ड्राइंग पे। हम एक एग्जांपल के तौर पे इसके एक ड्राइंग लेते हैं। ये हमारी वर्किंग ड्राइंग है। यहाँ पर एक ग्रिड प्लान आपको नज़र आ रहा है, जिसमें हमने यहाँ पे सर्कल और उसकी नेमिंग के लिए टेक्स्ट को प्लेस करके रखा है। अब होता क्या है कभी कभी कि अगर मुझे इसका नेमिंग नेम चेंज करने है, तो मैं ए डबल क्लिक करूँगा तो बी, या एग्जांपल ये 1, 2, 3, 4, तो हमें कॉपी करना होगा और 1 by 1 हमें इसको चेंज करना होगा। तो ऐसे तो हमारा वर्क काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगा, ठीक है। तो टी काउंट को यूज यहाँ पे क्या होता है, पहले तो हम ये देखते हैं। मैंने टी काउंट टाइप करके एंटर किया तो नीचे एक मैसेज आएगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब वो आपसे ग्रिड सेलेक्ट करने को नहीं कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करो। तो मैंने बहुत ही केयरफुली उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। जब आप सेलेक्ट करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको शो करा देगा कि स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर 9 फाउंड, कि हमारे जो टेक्स्ट है वो सेलेक्टेड है। एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको विजिबल होंगे, एक्स वाई एंड सेलेक्ट ऑर्डर। तो एक्स एक्सिस की बात करें तो ये कंडीशन हो गई, वाई एक्सिस की बात करें तो वर्टिकल हो गई। कॉमन सी बात है, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एंड वर्टिकल वाई। तो अभी हम लोग क्या लेते हैं, एक्स कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो वो कह रहा है कि स्पेसिफाई स्टार्टिंग नंबर एंड इंक्रीमेंट, स्टार्ट इंक्रीमेंट। स्टार्ट किससे करना है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ एक्चुअली इसको 1, 1 से। मैंने वहाँ पे दे दिया 1, 1, 2, 3, 4, 5 मैं मेंशन करना चाहता हूँ। मैंने 1, 1 या 1 एंटर कर दिया। तो यहाँ पे ओवरराइट, प्रीफिक्स, सफिक्स, फाइंड एंड रिप्लेस, ये 4 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी ओवरराइट की। ओवरराइट में क्या करना है, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, बिना मेहनत के, बिना टाइम मैंने वेस्ट करे, सारे टेक्स्ट को चेंज कर लिया। क्या था यहां पे, सब में ए था, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उसने सारे टेक्स्ट को हमारा एक सिस्टमेटिक वे में, एक सीरीज वाइज उसने हमें चेंज करके दे दिया। तो ये काम होता है टी काउंट का, टी काउंट के थ्रू टैगिंग को चेंज करना। दोबारा से हम लोग टाइप करते हैं यहां पे टी काउंट। टाइप करने के बाद मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करता हूं और एंटर करता हूं। एक्स ऑर्डर को मैं सेलेक्ट करूंगा, स्टार्ट इंक्रीमेंट हमारा 1, 1 या 0, 1 रहेगा, तो मैंने कहा 1, 1। अब वो कह रहा है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स वो होता है, अगर आप प्रीफिक्स यूज़ करोगे या सफिक्स यूज़ करोगे तो नंबर के स्टार्टिंग में एक डिजिट ऐड करके देगा, या फिर नंबर के एंड में एक डिजिट को ऐड करके देगा। एग्जांपल लेते हैं, अगर हम प्रीफिक्स पे क्लिक करते हैं तो क्या हुआ कि नंबर के पहले हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक और सीरीज उसने हमें ऐड करके दे दी, दैट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स। तो ऐसा नहीं है। अब एग्जांपल ले लो, आप लोग क्या सोच रहे हो कि चलो ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट करके एंटर किया तो मैं एक्स सीरीज सेलेक्ट करके इंक्रीमेंट दे दूं, ए एंटर, वो लेगा ही नहीं क्योंकि वो सिर्फ डिजिट को फॉलो करता है, वो नंबर को फॉलो करता है, वो ए कॉमा ए तब भी नहीं समझेगा वो। तो आप नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, अल्फाबेट्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी कंडीशन है। इसके बाद आप करना क्या है कि सफिक्स प्रीफिक्स समझ में आ गया होगा, जैसे कि फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन दिया है। फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करना है, आपको क्या चेंज करना है। एग्जांपल लो, मुझे चेंज करना है, मैं एग्जांपल लेता हूँ 2 नंबर, मैंने 2 को एंटर करा। अब मैं जैसे 2 को एंटर करूँगा तो वो उस 2 को कन्वर्ट कर देगा सीरीज 1 में, तो हमारा 1 हो गया। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, ऑर्डर को आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। मैंने कहा फाइंड रिप्लेस, मैंने कहा 3, तो वो 3 को 2 में कन्वर्ट कर देगा।
तो इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? नंबर दो एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक छोटी सी टेबल है, मैंने एक टेबल क्रिएट करी है जहाँ पर मैंने टेक्स्ट को प्लेस करा है, बट जब यहाँ पे नंबर्स डालने की बात आ रही थी तो मैं थोड़ा सा बोरिंग काम लग रहा था कि मैं 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 उसको 1 by 1 मैं उसको चेंज करूँ। तो टी काउंट यहाँ पे क्या हमारे लिए करता है कि मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, सारे नंबर्स को मैंने सेलेक्ट करके एंटर किया, वाई सीरीज मैंने सेलेक्ट किया, इंक्रीमेंट किससे स्टार्ट करना है, मैंने कहा 1 से। क्या करना है, मैं सिर्फ ओवरराइड को यूज करूंगा तो ऑटोमेटिक हमारे सारी डिजिट 0 को कन्वर्ट कर दिया उसने एक नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 में। तो दूसरी कंडीशंस तो हमारी ये हो गई। एक चीज और हम अगर देखें, अगर आपकी कुछ वर्किंग ड्राइंग है, अगर आपकी ड्राइंग में आपको कुछ टैगिंग वगैरह आपको यहाँ से चेंज करना है, आप उसमें भी इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप अपनी टेबल्स वगैरह होगी उसमें यूज़ कर सकते हो, या आपका ग्रिड प्लान होगा आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हो। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टी सर्कल। टी सर्कल की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है हमारा ये टी सर्कल कमांड ऑटोकैड में। क्या होता है, अगर आप वर्किंग ड्राइंग पे काम करते हैं या वर्किंग ड्राइंग अगर आप बनाते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास ये नंबर्स हैं, अब मैं कहता हूं इन नंबरों को आप क्लोज करो सर्कल में या किसी डिजाइन में, तो आप एक सर्कल बनाओगे, कभी कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर से कॉपी करोगे, टाइम टेकिंग पार्ट है कुल मिला के मैं ये कहूँगा। या फिर अगर आप अपना आप कोई वर्किंग ड्राइंग बना रहे हो तो उसमें आप जो डोर विंडो की टैगिंग कर रहे हो उसमें आप मेंशन कर रहे हो D5 या D3, वहाँ पर भी काफ़ी टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं क्या, टी सर्कल कमांड। पहले तो डिस्कस करते हैं कि टी सर्कल एक्चुअल में होता क्या है। मैंने टी सी मैंने जैसी टाइप करा या CI मैंने करा तो वो ऑटोमेटिक समझ गया हमको टी सर्कल कमांड यूज करना है। दूसरा हमको ये डायरेक्टली मिलेगा ऊपर मेनू बार में एक्सप्रेस टूल में, ये उसके नीचे एक्सप्रेस टूल आएगा और यहाँ से आप ले सकते हो इनक्लोज इन ऑब्जेक्ट। किस में आएगा ये, टेक्स्ट के अंदर इनक्लोज, ऑटो नंबर अभी मैंने डिस्कस करा था, इनक्लोज इन ऑब्जेक्ट आपको क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करोगे तो आपसे कहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जितने भी टेक्स्ट हैं सबको सेलेक्ट करके एंटर कर दो। फिर वो आपसे कहेगा कि एंटर ऑफसेट फैक्टर, कि आप जो भी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, आप जो चीज़ें बना रहे हो उनकी कितना आपको डिस्टेंस रखना है। तो मैं भी थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, 0.25 है, मैंने कहा 0.35। इतना करने के बाद वो आपसे तीन ऑप्शंस पूछेगा, सर्कल, स्लॉट या रेक्टेंगल, कि आप इनको किस डिज़ाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, एज ए सर्कल, एज ए स्लॉट या एज ए रेक्टेंगल। मैंने कहा मैं सर्कल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और जैसे ही मैं सर्कल पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन है कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, अब मैं इसमें से नॉर्मली बस एंटर करूँगा तो विदाउट एनी चेंजेस या कॉपी हमने उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया, तो वर्क हमारा फास्ट हो गया ऑब्वियसली। एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ, मैं दोबारा से इनक्लोज पे क्लिक करूँगा और उसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद एंटर करूँगा, सेम साइज 0.35, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ 0.25। अब मैं लेता हूँ क्या, स्लॉट, मैं स्लॉट पे क्लिक करूँगा, कोई भी ऑप्शन नहीं लेता हूँ मैं, डायरेक्ट एंटर। अब वो कह रहा है मेंटेन कॉन्स्टेंट स्लॉट, मैंने कहा एंटर। तो कितनी ईजली मैंने सारे नंबर्स को स्लॉट में या सर्कल में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है हमारा वर्किंग में। और अगर दोबारा से मैं लेता हूँ इनक्लोज और सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं तीसरा ऑप्शन यूज करूंगा रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल पे क्लिक करना है एंड 2 times ऑफ एंटर कर दो, तो हमारे सारे नंबर्स में के अराउंड वो डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो बात होगी इसकी, ठीक है। दूसरा कंफ्यूज हो रहे होगी अब हम कहाँ यूज करें इसको, आप यूज कर सकते हो अपनी ड्राइंग में, अगर आप सबमिशन ड्राइंग्स वगैरह पे काम करते हो, ठीक है ना। और चलो मैं एग्जांपल प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। आपने क्या करा, आपने सारे टेक्स्ट प्लेस कर दिए कि जहाँ जहाँ पे आपको
टैगिंग करना थी, आपने वहाँ पर नंबर्स को डाल दिया, ठीक है। तो अब हमें इनको चेंज करना है। मैंने क्या करा, इनक्लोज इन ऑब्जेक्ट, तो मैं वन बाय वन ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद एंटर करूँगा 0.25, एंटर। मैं सर्कल नहीं लूँगा यहाँ पे, मैं स्लॉट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। स्लॉट पे क्लिक करने के बाद देन अगेन एंटर एंड देन अगेन एंटर, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक उसने उसको चेंज कर दिया। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब हम लोग इनक्लोज इन ऑब्जेक्ट लेते हैं, सेलेक्ट करके एंटर करते हैं और ऑफसेट फैक्टर लेते हैं, स्लॉट लेते हैं, तो यहाँ पे वो आप जब एंटर करोगे तो आपसे पूछेगा विड्थ और हाइट। आपका जो स्लॉट की जो विड्थ और हाइट है आप उसे चेंज कर सकते हो। विड्थ यहाँ पे क्लिक करोगे और हाइट पे क्लिक करोगे वो उसको चेंज कर देगा। अगर मैं एंटर कर देता हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट उसको एज्यूम कर लेगा। तो इस तरह हम इजीली अपनी ड्राइंग पे वर्क कर सकते हैं। एंड अगर हम चाहें तो अपनी जो टैगिंग वाले ऑप्शंस हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहें हमारा कोई टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट को हमें इनक्लोज करना है तो हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, स्लॉट एंटर देन एंटर, तो हम उसमें भी उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप जहाँ प्लेस करोगे वहाँ उसको मूव करा लो। तो आपका जो टी सर्कल का यूज़ होता है वो आपका ड्राफ्टिंग में यूज़ करा जाता है, टैगिंग वगैरह में यूज़ करा जाता है। आप अपने जो डोर विंडो के टैगिंग है उसमें यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड लेआउट की टैगिंग है उसमें यूज़ कर सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है आपकी वर्किंग के ऊपर। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दोनों शॉर्टकट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारे कैड में, जिनके थ्रू हम लोग वर्क करते हैं, टी काउंट एंड टी सर्कल। तो कैसा लगा वीडियो हमारा, हमको प्लीज़ शेयर कर कमेंट्स करके बताइएगा। और एक चीज़ जो आपसे मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए और डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।